Our next topic is displacement. Minimum or shortest distance between initial and final position is called displacement. मतलब कि आपके starting point से और finishing point के बीच का minimum distance या shortest distance क्या कहलाता है? Displacement. SI unit of displacement is also meter. क्योंकि ये भी क्या है? Distance ही तो है. इसलिए इसकी unit भी क्या होगी? Meter. It is denoted by small s and it is a vector quantity. अब वेक्टर क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे. अभी हम क्या देखें? डिस्प्लेसमेंट. फिर से देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है. मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है. माना कि हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इससे 20 मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट बी, उससे 20 मीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट सी और उससे 20 मीटर डिस्टेंस पॉइंट डी है. अब आपका कोई एक ऑब्जेक्ट ए से अपना मोशन स्टार्ट करता है और वो बी पर आता है. जब वो बी पर आया, इस टाइम पर आपकी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? तो आपने ए और बी के पाथ की लेंथ निकाली, वो कितनी आई? 20. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 20. अब मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी उतनी ही है. कितनी? 20. तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया? 20. अब हम आगे गए बी से सी पर. जब हम सी पर पहुंचे तो अब ए से टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? यहां से यहां 20, और 20 कितना हो गया? 20 प्लस 20 40 मीटर. तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया? अगेन यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? इतना ही होगा. तो कितना होगा? 20 प्लस 20 40. तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया? 40. अब हम सी से डी पे गए, तो डी पे भी गए तो फिर कितना हो गया डिस्टेंस? ए से डी तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया? 60. डिस्प्लेसमेंट देखें तो ए से डी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? ए डी, दैट इज 60. सर अब मतलब क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही तो है. अब अंतर समझ में आएगा. अब ये जो कार थी, ये आप ए से बी, बी से सी और सी से डी तो गए. अब आप रिटर्न करना चालू करेंगे. अब माना कि आप डी से सी पर आ गए. अब जब आप डी से सी पर आएंगे, अब मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आपने डिस्टेंस कवर किया 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 कितना हो गया? 80. बट डिस्प्लेसमेंट अगर पूछूं पॉइंट सी पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप देखेंगे कि ए से सी के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना है. आप कितना देखेंगे? ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितना है? 20 प्लस 20 मतलब केवल कितना? 40. मतलब कि डिस्टेंस भले ही कितना है? 80. बट डिस्प्लेसमेंट कितना है? केवल और केवल 40. अब ये वापस सी से बी पे आ गया. जब बी पे आया तो फिर से डिस्टेंस कितना होगा? 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 एंड प्लस 20 मतलब ए से बी सी डी और वापस कितना आ गया? बी पर, तो कितना हो गया? 100. बट मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? केवल 20. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20. अब ये वापस कहाँ आ गया? बी से ए पर ही आ गया. तो कितना डिस्टेंस हो गया? 20 20 20 20 20 20 120. अगर डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ए. फाइनल पॉइंट कितना है? ए. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो. इट मींस इट इज हैविंग जीरो डिस्प्लेसमेंट. तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस क्या है? एक्चुअली जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्चुअली जितना लेंथ कवर कर रहा है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? डिस्टेंस. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, उसको केवल मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड फिनिशिंग पॉइंट से, और स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच में जो भी छोटे से छोटा, शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसे क्या बोलेगा? वो डिस्प्लेसमेंट. इज इट ओके? तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट.